पिछले चंद दिनों से कोरोना कोरोना कहते आए हैं, तो जब मेरे साथ ये बात छिड़ गई कि कुछ बात करें, तो मैंने कहा था कि सवाल जवाब के माध्यम से बात करें, ना कि भाषण की। एक तो भाषण में बोरियत बहुत ज्यादा है, और दूसरा तो ये है कि अनदेखे लोगों के साथ भाषण से जुड़ना और ही ज्यादा कठिन बात है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जितने सवाल हो कोविड 19 को लेकर, जब मैं देख रहा हूं कि सुनने में परेशानी हो रही है लोगों को, सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सवाल पूछते जाइएगा चैट से, क्योंकि मैंने चैट खोल रखा हुआ है, तो जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं उनके बारे में कुछ कहता जाऊंगा। एक बात याद रखिएगा कि सवालों के सही उत्तर देना कोई मेरे बस की बात नहीं है। सवालों को लेकर कुछ बहस छेड़ना, कुछ सोचना, कुछ आदान प्रदान करना, इस हद तक हम जा सकते हैं। तो लेकिन इसके पहले कि हम सवाल जवाब को शुरुआत करें, मैं तीन चार बातें कहना चाहता हूं कोविड 19 को लेकर। पहली बात, चाहे तो मजाकिया ले सकते हैं, लेकिन हम बार बार इस बीमारी का जिक्र करते हैं कोरोना 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 को लेकर। यहाँ मैं पुणे में बैठा हूं, महाराष्ट्र में उसे कोरोना शतक, कोरोना का कहर, कोरोना ये कोरोना वो कहा जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कोरोना एक वायरस, इसकी बड़ी फैमिली है। कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, कोरोना वायरस फैमिली में ये एक नया वायरस हमारे सामने पिछले महीनों साल भर से आके खड़ा हो गया है, लेकिन उसका अपना दिया हुआ नाम कोरोना वायरस नहीं है। वो मान लीजिएगा उसका जात नाम है, उसका अपना नाम SARS-CoV-2 है, और उससे होने वाली बीमारी का नाम COVID-19 है। तो कोविड का मतलब है कि कोरोना वायरस डिजीज जो 19 साल में सामने आया, और SARS-CoV-2 का मतलब है कि 21 साल पहले हमारे सामने आया था इसी का एक भाई वायरस जिसका नाम था SARS, SARS, जिसका पूरा फॉर्म था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो फेफड़ों के साथ और श्वसन संस्था के साथ जुड़े हुए बीमारियों के साथ जिन वायरसेस का लेन देन है उनमें से ये एक है। तो वो जो पुराना SARS वायरस था जिससे महामारी की बड़ी बड़ी आशंका हमें 2002-2003 साल में सामने आई थी, खरी नहीं उतरी लेकिन सामने थी, उसी का ये भाईवंद है, और इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 मतलब SARS पैदा करने वाले कोरोना वायरसेस का दूसरा कोरोना वायरस। तो हम इसे इन्हें कोरोना वायरस ना कहें, क्योंकि आम सर्दी जुकाम जो होते हैं, खांसी जुकाम जो होते हैं, उनमें एक छोड़ के चार अलग अलग कोरोना वायरसेस ऐसे हैं जो हमें जुकाम देते हैं और उससे ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा नहीं करते। तो हम जब कोरोना का कहर कहते हैं तो उन बेचारे निरुपद्रवी वायरसेस के खिलाफ भी हम बात करने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 या COVID-19 के बारे में बात करें।
दूसरी बात यह है कि इस महामारी को, इस एपिडेमिक को, पेंडेमिक को हम दो अलग अलग दृष्टिकोण में देख रहे हैं। एक तो ये है, हम में से कई महाभाग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि, जिनमें से अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष एक बड़े प्रमुख आवाज है, जो कह रहे हैं कि ये तो ऐसी आम बीमारी है, खांसी जुकाम होते रहती है, उन्हीं में से फ्लू में से ये एक नए तरीके का फ्लू है, इससे इससे इतना क्या डरना। ये तो सही नहीं है, साफ है, जाहिर है। लेकिन दूसरी ओर हमें ऐसा एक डर सा फैला रहा है कि अगर इसका संसर्ग हमें हो जाए तो बस हम गए काम से। और इसमें हमने ये याद रखना चाहिए कि ये जिसे संसर्ग होता है उस व्यक्ति के लिए ये जानलेवा बीमारी नहीं है। तो ये कोई इबोला वायरस नहीं है। इबोला वायरस की इबोला वायरस का अगर संसर्ग लग जाए तो एक तिहाई से आधे तक लोग मर ही जाते हैं। SARS-CoV-2 का अगर अंदाजा देखें तो अभी तक पूरे आंकड़े हमारे सामने है नहीं, लेकिन तकरीबन 1% लोगों को जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो जाहिर है कि हम में से हर एक को जिसे लग जाए उसकी जान चली जाए, यूं कोई ये वायरस नहीं है, यूं कोई ये महामारी नहीं है। हमारे लिए ये खतरा क्या है ये हमने सोचना चाहिए साफ किस्म से। तो हमारे लिए खतरा ये है कि ये नया वायरस है, इसलिए हम में से किसी के पास इसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिरक्षा नहीं है, कोई प्रतिकार क्षमता नहीं है। और इसलिए अगर मुझे हो जाए तो मुझसे मेरे आसपास के जितने लोग हैं सभीयों को वो हो सकता है, सभीयों को फैल सकता है, और ऐसा उनमें से तकरीबन ही कोई हो जिसे पहले हुआ हो और जिसलिए वो रेजिस्टेंट हो, जिनके पास ना फैले। और इसलिए फैलाव की रफ्तार, फैलाव की गति बहुत ही ज्यादा है। और अगर तेज रफ्तार से ये हमारे मनुष्य समूहों में फैलने लगी तो ये तो सच है कि जिन्हें हो जाए उनमें से 80% लोगों को कुछ खास बहुत गंभीर बीमारी ना हो, कुछ खांसी जुकाम हो, कुछ 1-2-4 का बुखार हो, लेकिन हम ठीक हो जाए। अगर इतने पे बात होती तो हम हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि कोई नया वायरस आया है और कोई नई महामारी है। लेकिन 5-10% लोगों को गंभीर बीमारी होती है, फेफड़ों में पानी जमता है, उस वजह से सांस लेना, सांस में से ऑक्सीजन मिलना कठिन हो जाता है, और इस वजह से अस्पताल में जाना, उसके लिए इलाज उस बीमारी के लिए करना अनिवार्य हो जाता है। और अगर ऐसा हो कि एक हफ्ते भर में इतने हजारों लोगों को संसर्ग हो जाए तो उनमें से बस सिर्फ 5% लोग अगर गंभीर स्वरूप से बीमार पड़ जा रहे हैं तो सारे के सारे इकट्ठे अस्पताल पहुंचेंगे, और इतने सारे लोगों को इकट्ठा अस्पताल में दाखिल करवा के सही इलाज करवाने के लिए हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो अस्पताल हैं, उनके पास ये क्षमता है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और अगर नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े आंकड़े हर हफ्ते हर महीने हम झेल ना पाए, तो फिर इटली में जो हुआ पिछले महीने उस तरीके का कहर समाज पे गिर सकता है। वो ये है कि जो हम कर सकते थे अगर आंकड़े कम होते लोगों के इलाज के लिए, वो ना कर पाए,
लोगों को अस्पताल दाखिल ना कर पाए और बगैर वैद्यकीय मदद के लोग मरने लगे, तो ये महामारी का असली कहर है। तो इसलिए हमने महामारी से, इस SARS-CoV-2 से इसलिए नहीं डरना चाहिए कि मुझे हो गया तो मैं बस मर गया। हमने इसलिए डरना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा गति से, बहुत ज्यादा रफ्तार से अगर ये फैले तो गंभीर रूप से बीमार इतने लोग इकट्ठा अस्पताल पहुंचेंगे कि अस्पताल इतने बड़े आंकड़े संभाल ना पाए। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि कई देशों में और कई देशों की तरह हमारे देश में भी बात होती है कोरोना फाइटर की, कोरोना वॉरियर्स की, कोरोना के खिलाफ जूझने की और कोरोना पे विजय पाने की। तो ये कोई जानबूझ के हम पे बरस रहा शत्रु नहीं है, ये एक प्राकृतिक घटना है। नया वायरस बीच बीच में हर एक जीव जाति के सामने आके खड़ा हो जाता है और वायरस और उस जीव जाति के दरमियान लेन देन होते रहती है और एक नया समतोल उन दोनों के बीच साल दो साल तीन चार साल के बाद एस्टैब्लिश हो जाता है। तो हमने इसे बतौर युद्ध के नहीं देखना चाहिए, हमने इसे बहुत ज्यादा व्यावहारिक रूप से देखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहां तक जो प्रास्ताविक में मैंने कहना था उतनी बातें। सवाल जो मुझे एक लव्य की ओर से मंजूषा ने भेजे हुए थे उनको लेकर थोड़ी बातें करते हैं। पहला सवाल तो सोशल मीडिया के युग का सवाल है और ये है कि इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पे आती हैं, COVID-19 को लेकर, SARS-CoV-2 को लेकर, कोरोना को लेकर, कैसे जाने, कैसे समझें कि क्या सही है क्या गलत है। और यह सचमुच एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं कुछ आपसे कह रहा हूं, आपको कैसे पता कि मैं सही बात कह रहा हूं। तो इसलिए जो आपके सामने जानकारी आती है, मैं ये कहूंगा कि दो प्रकार के प्रश्न आप पूछें। पहला तो प्रश्न ये पूछें कि सबूत क्या है। हर बार पूछें कि किस सबूत पे आधार पर जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है। अगर सबूत है तो किस तरीके के सबूत, अगर कोई सबूत सामने है तो क्या परखा हुआ सबूत। और दूसरी बात यह है कि जब आपसे कोई कोरोना के बारे में, COVID-19 के बारे में, SARS-CoV-2 के बारे में कुछ कहे, तो अगर बिल्कुल निश्चित रूप से आपको समझाने लगे कि यूं है त्यों नहीं है, फलाना है फलाना नहीं है, तो सुनते जाइएगा और ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये बात आए कि जो आपको समझा रहे हैं वो कहें कि ये बात अभी तक नहीं मालूम। अगर ऐसा ना कहा जाए तो मान लीजिएगा कि कहीं कुछ छूट रहा है, क्योंकि वायरस नया है, बीमारी नहीं है, इसके बारे में जितना अन्वेषण, जितना रिसर्च होना चाहिए है वो अभी हो रहा है। बहुत कुछ जानकारी आज हमें नहीं है। जो आपसे कहें कि यूं 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 है, वो कहीं ना कहीं अगर ये साफ ना माने कि इस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे को लेकर हमारे पास पूरी जानकारी आज है नहीं, वो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ आपको कुछ कहें, तो समझ लीजिएगा
के सबूत के परे जाकर कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ SARS-CoV-2 की या कोविड 19 की बात नहीं है, ये और कई वैज्ञानिक बातों को लेकर सच्चाई है, लेकिन इस बीमारी को लेकर तो बहुत ही ज्यादा रूप से। दूसरा प्रश्न है, कोविड 19 SARS या इबोला जैसे बीमारियों से अलग क्यों? तो मैंने शुरुआत में जो बात करी उसमें मैंने कुछ बातें करी थी, उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक और है इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरल बीमारी है जो श्वसन संस्था की फेफड़ों की बीमारी है। और हर साल इन्फ्लुएंजा की छोटी छोटी महामारी को छोटी कहना में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन छोटी छोटी आउटब्रेक्स कहिएगा उन्हें, पूरी महामारी ना कहिएगा, इन्फ्लुएंजा की होती रहती है दुनिया में कई जगहों पर। और आमतौर से इन्फ्लुएंजा की बीमारी से लोग ठीक हो जाते हैं। जिन्हें और कई बीमारियां होती हैं, या तो बहुत बूढ़े लोगों के साथ या बहुत छोटे बच्चों के लिए, या जिन्हें और कई बीमारियां हैं फेफड़ों की हैं या और किसी तरीकों की बीमारियां हैं, उनके लिए इन्फ्लुएंजा की बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो ये पूछें कि इन्फ्लुएंजा बीमारी जिनको होती है उनमें से कितने लोग मरते हैं? तो एक तकरीबन अंदाजा है कि 1.1% लोग इन्फ्लुएंजा की बीमारी से मरते हैं, 0.1%। ये हुई एक एक्सट्रीम कहिएगा। दूसरी ओर जैसे मैंने कहा इबोला का जिक्र है, और इबोला का संसर्ग अगर हो जाए तो तकरीबन 1/3 से आधे लोग मर सकते हैं। तो मतलब ये है कि एक और है 0.1% फेटेलिटी रेट, और दूसरी ओर है 30% फेटेलिटी रेट, और इन दोनों के बीच में पूछने वाली बात यह है कि SARS-CoV-2 और कोविड 19 कहां आता है। समझना आसान नहीं है क्योंकि आंकड़े साफ नहीं है अभी तक। शुरुआत में हम ये कहने लगे थे कि 2-3% लोग मरेंगे, फिर कहीं कहीं लोग कहने लगे कि 5-10% लोग मरेंगे, फिर कहीं कहीं लोग कहने लगे कि नहीं 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 1.2 या 3% लोग मरेंगे। अंदाजा आज जो लोग लगा रहे हैं वो ये है कि ये इन्फ्लुएंजा से फ्लू से 5-10 गुना तक जानलेवा बीमारी है, यानी कि अगर इन्फ्लुएंजा की फेटेलिटी 0.1% है तो इसकी 0.5 या 1% निकलेगी जब हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद होंगे आगे चल के तब। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लुएंजा से बहुत ज्यादा गंभीरता से हमने इस बीमारी को देखना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वरूप से हमने इतना नहीं डरना चाहिए जितना लोग इबोला से या मार्बर्ग फीवर से या लासा फीवर से डरते हैं। तो इन तरीकों से यह बीमारी SARS या इबोला या इन्फ्लुएंजा से अलग है। अब साहिल जैन भैया ने सवाल पूछा है, अंग्रेजी में पूछा है, शुड इंडिया और अदर नेशंस वर्ल्ड वाइड नॉट केयर अबाउट द इकोनॉमी अंटिल वी एब्सोल्युटली एंड सक्सेसफुली फाइट ऑफ दिस वायरस? क्या हमने हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, हमारी लाइवलीहुड के बारे में, अर्थव्यवस्था को सिर्फ ना सोचें, लाइवलीहुड को लेकर सोचें, उसके बारे में बिल्कुल ही ना सोचना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से इस वायरस पर काबू पा ना सकें। तो जवाब में मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने कहा, इस वायरस पर हम इस तरीके से काबू पाने वाले नहीं हैं कि हम
इसका नामो निशान मिटा देंगे। वायरस तो हमारे साथ रहेगा ही, छोटे पैमाने पर रहेगा, ऐसे पैमाने पर रहेगा जहां पे बीच बीच में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, बीच बीच में उसके उद्रेक होते हैं, उसके आउटब्रेक्स होते हैं, लेकिन जो लोग गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं उनके लिए हमारी वैद्यकीय व्यवस्था पर्याप्त है। उस समतोल तक इस वायरस के साथ भी हमने पहुंचना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम इस वायरस पे काबू नहीं पाने वाले, हम इस वायरस पे विजय नहीं पाने वाले, हम इस वायरस को मिटा नहीं देने वाले, हम इस वायरस के साथ जीने का समतोल, उस समतोल तक पहुंचने वाले हैं। सवाल ये है कि कितने जल्दी पहुंच सकते हैं और पहुंचते पहुंचते क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो दो तरीके की कीमतें चुकानी पड़ेंगी। अगर बहुत बड़े रफ्तार से ये वायरस हम में फैले तो समतोल तक जल्दी पहुंच तो जाएंगे, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी का इलाज कहा गया हुआ है, लेकिन उसमें इतने बड़े पैमाने पर गंभीर स्वरूप से बीमार लोग अस्पतालों में पहुंचेंगे जिनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं होगी। और अगर यूं हो तो हमारे लिए कई लोग जो मरने नहीं चाहिए वो मरने लगेंगे, समाज के लिए ये सही बात नहीं है। तो इसलिए फैलाव की जो रफ्तार है वो हमने इस हद में रखनी चाहिए कि उस फैलाव के दरमियान जो गंभीर बीमार लोग हैं उनका सही तरीके से इलाज हमारे पास पर्याप्त हो, और उस रफ्तार से अगर हम बैलेंस तक पहुंचे, मैं बार बार समतोल कह रहा हूं, हिमांशु भैया कह रहे हैं कि समतोल मतलब बैलेंस, तो उस बैलेंस तक पहुंचे, उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचे वायरस के साथ, तब हमारे लिए सही बात होगी। दूसरी ओर यह है कि हम इस रफ्तार को कम कैसे करें। तो अगर मेरे बहुत नजदीक लोग हों और मैं इन्फेक्टेड हूं तो मुझसे बहुतेरों को इन्फेक्शन पहुंचेगा और उनसे बहुतेरों को और पहुंचेगा और ट्रांसमिशन का वेग बढ़ने लगेगा, ट्रांसमिशन की रफ्तार बढ़ने लगेगी। अगर मैं शारीरिक अंतर रखने लगूं, अच्छा एक हिंदुस्तान के लिए जी समतोल यानी कि कुछ एक तालमेल बना लें, तो लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये जो सामाजिक अंतर की बात बार बार हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हमने कम से कम इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र नहीं करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हम सदियों से करते आए हैं, उसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है विथ सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक एकात्मता के साथ हमने शारीरिक अंतर रखना है। तो अगर मैं शारीरिक अंतर रखूं तो मुझसे औरों को संसर्ग होने की आशंका कम होगी, बंद नहीं होना है लेकिन कम होना है। तो इसका मतलब यह है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दो लोग इन्फेक्टेड होंगे अगर शारीरिक अंतरण ना करें, एक संसर्ग इन्फेक्टेड व्यक्ति से डेढ़ लोग इन्फेक्टेड होंगे अगर शारीरिक अंतरण रखें, और दो से अगर डेढ़ तक लाएं तो जाहिर है कि हमने संक्रमण की रफ्तार कम कर दी। और अगर हम संक्रमण की रफ्तार कम करते हैं तो हम वायरस के तालमेल तक पहुंच सकते हैं
सस्टेनेबल स्वरूप से। तो दूसरी ओर यह है कि किस हद तक शारीरिक अंतर रखने के लिए अर्थव्यवस्था में बदलाव लाए। तो जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन हम क्यों करते हैं? लॉकडाउन हम इसलिए नहीं करते कि हम जब तक वायरस पर काबू ना पाते तब तक लॉकडाउन में रहें, ये मूर्खता की बात है। लॉकडाउन हम इसलिए करते हैं कि शुरुआत में क्या हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों के जरिए हम इस संक्रमण के रफ्तार को कम कर सकें। ये संसाधन क्या है? एक तो हमें ये सांस्कृतिक जानकारी बढ़नी चाहिए, हमें ये सांस्कृतिक नियम पहुंचने चाहिए, इसलिए हमने लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि शारीरिक अंतर रखना है। दूसरा, शारीरिक अंतर रखने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो आयुध हैं, जो नकाब की मास्क की बात है और भी बातें हैं, उनके लिए क्या हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनकी सुविधाएं हैं, लोगों तक पहुंचा पाए, इसके लिए क्या हमने तैयारी करी है या नहीं। तीसरी बात यह है कि क्या हम इस वायरस के लिए टेस्टिंग करते हैं? जहां टेस्टिंग करते हैं वहां क्या जितने कांटेक्ट हैं उनमें किसी को संक्रमण हुआ है उसको लेकर ट्रेसिंग करते हैं? उसके लिए हमने हेल्थ आउटरीच की क्या टीमें बनाई हैं? इन टीमों का ट्रेनिंग करा हुआ है? इन सब संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए हमें मोहलत चाहिए, और ये मोहलत 3-4-6 हफ्तों का लॉकडाउन शायद हमें दे सकता है। इसलिए हमने लॉकडाउन करना चाहिए, खास करके जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है वो इसलिए हमने करना चाहिए। उसके बाद इन संसाधनों को समाज में ले जाकर हमने हर बस्ती में, हर गांव में, हर शहर में, जहां जरूरत हो बहुत छोटे पैमाने पर इस तरीके के लॉकडाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि राष्ट्रव्यापी पैमाने पर। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि 3 हफ्तों के 6 हफ्ते 6 हफ्तों के 9 हफ्तों के लॉकडाउन करेंगे और कोरोना वायरस पर विजय पाएंगे, तो ये मुंगेरी लाल के सपने। तो दूसरा दूसरा सवाल ये है कि इसके इलाज के लिए मलेरिया की दवा का यूज किया जा रहा था, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस एरिया में मलेरिया ज्यादा होता होगा वहां पर कोविड 19 होने की आशंका कम होगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है, पूजा जी ने पूछा है, और इसके जवाब में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मलेरिया की जो दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात है, क्लोरोक्विन की बात ही ना करें हम, क्योंकि क्लोरोक्विन बहुत ही खतरनाक दवा है। जमाने में उसका इस्तेमाल होता था, आज भी बहुत सोच समझ के बहुत ही थोड़े पैमाने पर कहीं कहीं होता है। आमतौर पर मलेरिया के लिए जब होता है, मलेरिया के लिए भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता, क्योंकि और बहुत सी दवाएं मलेरिया के लिए हैं। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर बातें हुई हैं कि कोविड 19 के लिए ये बड़ी अच्छी दवा है, इसके लिए कोई सबूत नहीं। जब कोई बीमारी सामने आती है तो जहां तहां से लोग आशा की बातें करते हैं, अरे ये दवा काम आएगी, अरे वो इलाज काम आएगा। और ऐसे लोग अगर मान लीजिएगा कि किसी सत्ता की कुर्सी पर बैठे हों तो वो ऐसी बात करने लगे, तो जाहिर है
कि हम सब में आशा का किरण मान लीजिएगा जाग उठता है कि सत्ताधारी हैं, कह रहे हैं तो सही होगा। तो अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जब कहते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेरे हिसाब से, क्या उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, गेम चेंजर दवा है, तब भी आज भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि कोविड 19 में उसका कोई खास फायदा है। मैं थोड़ा इससे आगे जाकर, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ना लें इस दवाई के लिए, इसलिए नहीं कि हमारे पास सबूत है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि कोई फायदा है या नहीं। अगर सही रूप से अन्वेषण के बाद ये जानकारी मिले कि थोड़ा फायदा है, तो जरूर नियंत्रित रूप में उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। किसी के लिए भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने, खास करके अपने आप लेना, ये जायज नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बहुत दुष्परिणाम हैं, खास करके हार्ट को, दिल को लेकर, तो बिल्कुल ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में यूं ना सोचें। लेकिन मैं एक और व्यापक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों में एक बड़ा बुनियादी फर्क है, और वो ये है, याद कीजिएगा कि आप सब ने हाई स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ा हुआ है, और बैक्टीरिया की बढ़ोतरी कैसे होती है, तो एक बैक्टीरिया का विभाजन होकर दो होते हैं, दो का विभाजन होकर चार होते हैं, चार के आठ होते हैं, आठ के सोलह होते हैं, तो बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ते हैं। लेकिन वायरसेस के बारे में सोचिएगा, एक वायरस का विषाणु का, एक विषाणु है, वो एक आपके शरीर की कोशिका में घुस गया, उस एक विषाणु के कोशिका में के घुसने के बाद कोशिका से सैकड़ों, मेरे कई दोस्त करेंगे कहेंगे हजारों, लेकिन कम से कम सैकड़ों विषाणु उस कोशिका से बाहर आएंगे। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया एक से दो, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह बढ़ते हैं, विषाणु वायरस एक से सौ, सौ से दस हजार, दस हजार से दस लाख, इस रफ्तार में बढ़ते हैं। तो उनके जैव वैज्ञानिक तौर तरीके बिल्कुल ही अलग हैं। तो जब बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से गंभीर बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीबायोटिक के जरिए, अगर सही एंटीबायोटिक हो, अगर काम करने वाला एंटीबायोटिक हो, तो जादुई फायदा होता है बीमारी को सही करने में। आमतौर से वायरल इंफेक्शंस को लेकर हमारा अनुभव यह रहा है कि ऐसा फायदा एंटीवायरल ड्रग्स के साथ नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण है हर्पीज इंफेक्शन का। अब यहां आके मैं अटक गया हिंदी को लेकर, कोई कोई बता सकता है कि हर्पेटिक इंफेक्शन जो होते हैं मराठी में जिसे नागिन कहते हैं, मुझे हिंदी शब्द नहीं मालूम, तो कोई अगर बता पाए। नहीं, खैर चलिए, हर्पेटिक इंफेक्शन होते हैं जिनकी वजह से चमड़े पे फेफड़े आते हैं, तो पहले खुजली होती है और फिर बड़े बड़े फेफड़े होते हैं, और फेफड़े नहीं, बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं, और उन ब्लिस्टर्स बहुत वेदनादायी होते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरल दवा है, वो एक हर्पीस वायरस फैमिली का वायरस है, फोड़े होते हैं,
चाबयाने का फोड़े होते हैं, हर्पीस के फफोले होते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरल दवा है हर्पीस वायरस के खिलाफ, अच्छी है, एसाइक्लोविर नाम है उसका। लेकिन फोड़े होने के बाद अगर दवा लगाने लगे तो बहुत ज्यादा असर नहीं होता। असर तब होता है जब जब थोड़ा खुजलाने लगता है, तभी अगर दवा लगाएं तब असर होता है। बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस में ये बड़ा बुनियादी फर्क है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात तो छोड़ ही दीजिएगा, और कई तरीकों की एंटीवायरल दवाएं हैं जिनको लेकर रिसर्च चल रही है। शाह भैया ने पूछा है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, डज दैट होल्ड सम होप? तो जवाब यह है कि हां, इनमें से कई एंटीवायरल थेरेपीज काम आएंगी, लेकिन हमने इतना उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस में काफी फर्क है। तो आज तक कोई ऐसी दवा सामने आई नहीं है। हाल में एक रिपोर्ट ऐसी आई है, हाल में मतलब पिछले कल सुबह शायद, एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि एक तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन कुछ थोड़ा काम कर रहा है। उसके पहले पिछले हफ्ते और एक दवा की बात हुई है रेमडेसिविर को लेकर, लेकिन रेमडेसिविर जिसे अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने काफी सराहा है, उसकी जो ट्रायल हुई है उसमें नतीजे क्या निकले हैं वो देखने जैसी बात है। उसमें नतीजे ये निकले हैं कि आमतौर से जो रोगी थे वो 15 दिन बाद घर गए अगर रेमडेसिविर नहीं दी गई, अगर रेमडेसिविर दी गई तो 11 दिन बाद घर गए, 11 या 12 फीसदी रोगी मरे अगर रेमडेसिविर नहीं दी गई, 8 या 9 फीसदी रोगी मरे अगर रेमडेसिविर दी गई। तो जाहिर है कि जब असरदार दवा भी इस्तेमाल होती है तो असर बहुत बड़ा नहीं। तो ये याद रखें, जब एंटीवायरल दवाओं को लेकर हम खबरों को सुनेंगे तब। दूसरी बात ये पूछी गई प्रकाश करट भजनी ने कि मास्क यूज करने पर भी शारीरिक अंतर जरूरी है क्या? जवाब ये है कि जी है। कैसे? यूं कि हम जब खांसते हैं, नाक से पानी बहता है, तो हाथ लगाते हैं, हाथ पे जो द्रव सूखता है उसमें वायरस होता है। तो मान लीजिएगा कि हमने मास्क तो पहन लिया, लेकिन हाथ मैंने कांधे पे या आस्तीन पे पोंछे हुए हैं, और मैं बाजार में गया और बड़ी भीड़ में घुस के मैं सब्जी खरीद रहा हूं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के शरीर के साथ लगने से फैलाव हो सकता है। तो इसलिए मास्क नकाब तो इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन चंद फीटों का अंतर, हम लोगों ने तो मीटर कहना चाहिए लेकिन हम आज भी फीट ही कहते हैं, तो चंद एक आध मीटर का अंतर तो कम से कम हमने रखना चाहिए, और वो हमारी एक सांस्कृतिक आदत पड़नी चाहिए। आप देखिएगा, आज भी सब्जी किराना खरीदने के लिए निकलिएगा बाहर, रास्ते में सामने से कोई आ रहा हो, आपने भी नकाब पहना है, उन्होंने भी पहना है, आप दोनों में जब यूं आ रहे हो तो एक दूसरे से अंतर रख के एक दूसरे से पास से गुजरना चाहिए। हम ये नहीं करते, ये करने की हमारे लिए एक आदत सी पड़नी चाहिए, तब जाके एक शारीरिक अंतरण का संस्कार हमें पड़े।
निशा जी पूछती हैं क्या साइनस के मरीज को इस वायरस का संक्रमण और स्वस्थ लोगों की तुलना में जल्दी होता है। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा, ऐसा कोई अध्ययन नहीं देखा कि ऐसा है। फेफड़ों के रोगी जो लोग हैं उनमें हाँ बिल्कुल सही है कि इस वायरस के जरिए बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन साइनसेस को लेकर मैंने अभी तक बात नहीं देखी और देखने वाली बात है, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखना, मैंने थोड़ा खोजना चाहिए इसको लेकर। मेरे हिसाब से साइनस के रोगियों को इस वायरस से ज्यादा डर नहीं होना चाहिए, और ये मैं बगैर सबूत के कह रहा हूं, तो पूरे विश्वास के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कारण बताता हूं, वजह बताता हूं कि क्यों कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो वायरस है SARS-CoV-2 है, वो हमारी जो ऊपरी श्वसन संस्था है, जो जैसे नाक है, साइनसिस है, गला है, वहां उतना नहीं फैलता जितना निचली श्वसन संस्था में, जो एयर पैसेजेस हैं, जो फेफड़ों के एल्वियोलाय हैं, वहां तक फैलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साइनसाइटिस के जो रोगी हैं, क्रॉनिक साइनसाइटिस के, उनमें और आम लोगों में इस वायरस को लेकर बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं होगा, लेकिन सबूत के आधार पर मुझे उत्तर नहीं मालूम, तो मैं देखूंगा इसको। पुष्पक राठौर जी पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है कि कोरोना की मेडिसिन खोजते खोजते और दूसरी मेडिसिन, दूसरी बीमारी की मेडिसिन बन जाए, तो उन मेडिसिन को जांचेंगे कैसे। तो सवाल तो बिल्कुल सही है, मैं इसका एक पलट उदाहरण देता हूं आपको। ये जो रेमडेसिविर की बात मैंने कही ना, जिसको लेकर एक क्लिनिकल ट्रायल में थोड़े ही पैमाने पर रेमडेसिविर SARS-CoV-2 और COVID-19 में परिणामकारक दिखाई दिया है, ये रेमडेसिविर इबोला के खिलाफ इजाद किया गया था कई साल पहले, इबोला वायरस के खिलाफ। तो जाहिर है कि आज जितनी एंटीवायरल ड्रग्स की जांच हो रही है SARS-CoV-2 और COVID-19 को, वो सारे के सारे या तो HIV एड्स के खिलाफ, या तो इबोला वायरस के खिलाफ, या तो पुराने 20 साल पुराने SARS वायरस के खिलाफ इजाद किए हुए हैं। तो बिल्कुल सही है आपका कहना कि इसकी दवाई खोजते खोजते हो सकता है कि कई दवाइयां ऐसी होंगी जो आज इस वायरस के खिलाफ बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आगे चलकर कोई और नया वायरस आएगा और उसके खिलाफ काम आएंगे, तो तब तक प्रयोगशालाओं में पड़ी रहेगी, और जब वो वायरस आएगा तब प्रयोगशालाओं में से अलमारियों से निकाल के दोबारा जांच में लाई जाएंगी। शुभम बचाने पूछ रहे हैं कि जनरली पीपल थिंक इफ वन गेट्स क्योर्ड she or he won't test positive again. What are the odds for someone to test positive again after getting cured? तो शुभम का सवाल ये है कि अगर आज मुझे SARS-CoV-2 का संसर्ग हो गया, मुझे मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, लेकिन मैं ठीक हो गया, और जब मैं ठीक हो गया तब मैं इम्यून हो गया, और मुझे अब दोबारा वायरस का इंफेक्शन नहीं होना, तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो कैसे जाने, कैसे परखें? तो मेरा सवाल पहले यह है कि कैसे परखेंगे? तो पहली बात यह है कि हम कैसे जानते हैं कि इस वायरस के साथ इंफेक्शन हुआ है? तो स्वाब है, स्वाब मतलब रुई लगी हुई है एक 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 छोटी लकड़ी पे, वो अंदर डाल, नाक में अंदर डाल के स्वाब ले के उस द्रव में ये परखा जाता है कि वायरस है या नहीं। अब
हम सब जानते हैं कि वायरस की जो टेस्ट है वो तकरीबन 70% के आसपास रिलायबल है, यानी कि 20-30% केसेस में जहां पे पॉजिटिव है वहां पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती, उसके कई कारण है। तो आज मान लीजिएगा आपने मेरी टेस्ट करी, मैं बीमार हूं, मेरी टेस्ट पॉजिटिव है, हफ्ते भर बाद आपने टेस्ट करी, अभी भी पॉजिटिव है, उसके बाद हफ्ते भर आपने टेस्ट करी, नेगेटिव है, आपने कहा बस भाई तेरी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद हफ्ते भर और एक बार टेस्ट करी और वो पॉजिटिव निकली। अब सवाल ये है कि जो बीच में जो नेगेटिव टेस्ट आई थी क्या वो गलत थी और मेरा वही वायरस इंफेक्शन महीने भर चला है, या सचमुच मेरे शरीर ने पहला जो वायरस का संक्रमण हुआ था उससे निकलने के बाद दोबारा वायरस की नई इंफेक्शन मेरे शरीर में हुई है। ये इन दो शक्यताओं में फर्क करने के लिए हमारे पास आज कोई रास्ता नहीं है। आमतौर से ये देखा जा रहा है और वो दो तीन अलग अलग दिशाओं से सबूत है कि एक उदाहरण देता हूं कि बंदरों को SARS-CoV-2 का इंफेक्शन दे दें और वो ठीक हो जाए और उसके बाद दोबारा उन्हें SARS-CoV-2 का इंफेक्शन देने की कोशिश करें तो दोबारा SARS-CoV-2 का इंफेक्शन उनमें नहीं होता। तो ये महीने भर पहले आई गई रिपोर्ट में देखा गया है। इतनी साफ बात इंसानों में अभी तक बतौर सबूत के मौजूद नहीं है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं जो प्रतिपिंड बन रहे हैं, जो एंटीबॉडीज बन रही हैं लोगों में, उनमें से कई लोगों की एंटीबॉडीज की जब जांच करी गई है तो वो एंटीबॉडी टेस्ट ट्यूब में है SARS-CoV-2 वायरस को कोशिका में घुसने से रोक रही है। तो इससे यह सोचा जा रहा है कि जो शुभम भैया कहते हैं कि अगर अपन SARS-CoV-2 COVID-19 से ठीक हो जाएं बीमारी से तो दोबारा इंफेक्शन नहीं आएगा, शायद वो सही है, लेकिन क्या सबके लिए यह सही है, क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं, वो किस तरीके के हैं, ये सब अभी तक जांच की, संशोधन की, रिसर्च की बात है, अभी तक हम जानते नहीं है। शाह भैया पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में कोई आशा है या नहीं, तो आशा तो जरूर है। जैसे मैंने कहा कि जब मुझे इन्फेक्शन होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, तब तक मुझ में प्रतिपिंड बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं और वो एंटीबॉडीज वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं टेस्ट ट्यूब में, और अगर वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं टेस्ट ट्यूब में तो मेरा खून लेकर उसमें से एंटीबॉडीज निकाल कर या तो सिर्फ सीरम लेकर अगर किसी को दे दें तो उनमें भी वो कुछ हद तक प्रोटेक्शन ला सकती हैं। और ये और कई वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ देखा गया है, तो हो सकता है कि SARS-CoV-2 के लिए भी ये सही हो, लेकिन क्या सबूत के साथ क्या हमारे पास इसका प्रूफ है, अभी तक नहीं है। ट्रायल्स चल रही हैं और ट्रायल्स के रिजल्ट्स अभी तक तो मैंने सुने नहीं। पूजा जी पूछ रही हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं तो आप बता पाएंगे कि क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी। जो मैंने कहा कि अगर मैं इंफेक्शन से ठीक हो गया तो इंफेक्शन की वजह से मैंने एंटीबॉडीज बनाई है, मैंने एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाया है, मैंने एंटीबॉडीज बनाई है और वो मेरे खून में अब मौजूद है, तो आप मेरा जो जैसे अपन ब्लड डोनेशन में करते हैं आधा लीटर खून ले लीजिएगा, उसमें से सिर्फ जो लिक्विड है प्लाज्मा वो अलग कीजिएगा जिसमें सारी एंटीबॉडीज सारे प्रतिपिंड होते हैं और वो किसी को दे दीजिएगा, तो एक बनी बनाई इम्यून रिस्पॉन्स मेरी
हमने पैसिवली और किसी के शरीर में उसका रोपण कर दिया, तो जाहिर है वो अब इम्यून हो गए, क्योंकि पैसिवली इम्यून है, एक्टिवली उन्होंने अपना अपना इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनाया, लेकिन पैसिवली तो कम से कम इम्यून हो गए। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक जितने रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं ना अखबारों में, वो सब एक एक रोगी को लेकर हैं कि इस रोगी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, रोगी ठीक हो गया। लेकिन क्या अगर प्लाज्मा थेरेपी ना देते तो रोगी ठीक नहीं होते? तो इसलिए कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है, और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आज तक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे बाहर नहीं आए हुए। तो हमारे लिए ये उम्मीद की बात है कि प्लाज्मा थेरेपी किसी हद तक काम करेगी, हमारे लिए ये विश्वास की बात नहीं है कि करेगी ही करेगी। एकलव्य से साथी पूछ रहे हैं कि हाउ आर वर्ल्ड लीडर्स डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ दिस पेंडेमिक, स्पेशली एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ चाइना एंड यूएसए। तो जाहिर है कि जब ऐसा कोई सामाजिक संकट सामने आता है तो उसको लेकर राजकारण, राजनीति की जाती है। तो साफ है कि कोविड 19 को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति चल रही है, और राजनीति के कई रूप हैं। एक तो ये है कि शायद इस वायरस का उगम, इस वायरस का मूल दक्षिणी चीन में है। तो दक्षिणी चीन में या तो चमगादड़ों में है, और ये बड़े चाव की बात है कि कई तरीकों के कोरोना वायरस फैमिली मेंबर्स, कई तरीकों के कोरोना वायरस चमगादड़ों में मौजूद होते हैं, बैट्स में, और उनमें शायद बहुत गंभीर बीमारी पैदा नहीं करते, और इन चमगादड़ों से लेकर और कई प्रजातियों में कोरोना वायरस फैलते हैं, वापस चमगादड़ों में आते हैं, फिर वापस जाते हैं। ये जो वायरसेस की लेन देन है सस्तन प्रजातियों में, ये चलते रहती है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो शायद दक्षिणी चीन में चमगादड़ों से या पेंगोलिन्स से इस कोरोना वायरस की लेन देन में ये विशिष्ट कोरोना वायरस पैदा हुआ, जो ह्यूमन ट्रांसमिशन में बड़ा माहिर है। तो हम कैसे जाने कि नया वायरस है? तो नवंबर दिसंबर में चीन में वो हेबेई इलाके में, वुहान शहर में केसेस आने लगे कि एक अजीब तरीके का न्यूमोनिया है अस्पतालों में। तो जब ये न्यूमोनिया आया तो न्यूमोनिया के जो अज्ञात कारण हैं वो सब ढूंढे गए, तो वो सब नेगेटिव निकले। तो जाहिर है कि ये है न्यूमोनिया विदाउट ए नोन कॉज। अब न्यूमोनिया विदाउट ए नोन कॉज अगर है तो जाहिर है कि आपने नया कारण ढूंढना चाहिए। नया कारण ढूंढने के लिए एक जमाने में बहुत हमारे पास संसाधन नहीं थे, आज हैं। तो इस वजह से दिसंबर 19 के अंत तक चीनी वैज्ञानिकों के सामने ये बात साफ होने लगी थी कि एक नया वायरस है शायद, लेकिन बात अभी तक शायद ही थी। और उसका कारण यह है कि जब तक आप नए वायरस को जान ना पाए, परख ना पाए, आइडेंटिफाई कर ना पाए, तब तक आप ये भी नहीं देख सकते कि जो नए रोगी आते हैं उनमें वही वायरस है या नहीं। तो उसके लिए एक जांच, एक टेस्ट बनाना जरूरी है, उसके लिए वायरस का सीक्वेंसिंग जरूरी है। तो वायरस का सीक्वेंसिंग होते होते, और फिर आप जानते हैं कि हमारे देश में भी
जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे अच्छा नहीं लगता कि अपने इलाके में कोई नया संकट हो। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आमतौर से सब अलबेल है, नहीं नहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं हमारे इलाके में नहीं 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 हमारे यहाँ सब 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 ठीक ठाक है। ये प्रशासनिक व्यवस्था की एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होती है, एक एक प्रतिक्रिया होती है। तो शायद चीन में भी पहले दो चार हफ्तों तक यही बात रही कि नहीं 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 छुटपुट बात है, दो चार ही केसेस हैं, इतनी इतने इतने बड़े पैमाने पर कुछ है नहीं। तो लेकिन 30-31 दिसंबर को चीन ने WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया कि शायद चिंता की बात है। 11-12 जनवरी को चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस का पूरा सीक्वेंस खुलेआम ओपन डोमेन में डाल दिया, और जनवरी के महीने में चीन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सबको बता दिया कि एक नया वायरस है, शायद इससे महामारी फैल सकती है। अब क्या देर हुई? हुई होगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने क्या करा? उन्हें तो 3 जनवरी को अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के जो डायरेक्टर हैं, उन्हें चीनी वैज्ञानिकों ने बताया था कि ऐसा एक वायरस है, शायद फैल सकता है, वगैरह 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 वगैरह। इसके बावजूद जब हम बाकी कोई नहीं जानता था, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानती थी कि ऐसा एक वायरस है, तथापि अमरीकी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। यहां तक कुछ नहीं किया कि जनवरी तो छोड़ दीजिएगा, फरवरी के अंत तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और नतीजा अपन देख रहे हैं कि जब कदम उठाए तब जा तब देर हो गई थी, और इस देर के कारण अमेरिका के बहुत राज्यों में संक्रमण बहुत बढ़ा था। जहां आज की बात देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार लोग SARS-CoV-2 COVID-19 के अमेरिका में है, सबसे ज्यादा मृत्यु अमेरिका में है। तो जाहिर है कि अब अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के लिए और उनके प्रशासन के लिए जरूरी है राजनीतिक तौर पर कि बात और दोष किसी और के माथे मारे। तो उन्होंने चीन के मत्थे मारा है, और उनके जो प्यादे शागिर्द हैं वो अब जोर शोर से बात कर रहे हैं कि शायद चीन ने ये बायो वॉरफेयर बतौर वायरस बनाया, या तो जब फैला तब हमें बताया नहीं, और अनफर्गिवेबल डिले करा दी, ये वो फलाना निकाला। ये सब अनसंट बातें हैं। क्या चीन ने बताते बताते देर कर दी? तकरीबन देर तो जाहिर है करी हुई है, लेकिन क्या इस हद तक देर करी के खास तौर पर हम दोष लगाएं उन पर? मुझे नहीं लगता। ये हर देश में हुआ है, हमारी ओर देखिएगा। हमने मार्च के दूसरे हाफ में लॉकडाउन की बात शुरू करी, लॉकडाउन शुरू करा, लेकिन एक हफ्ते का लॉकडाउन किया, उसके बाद 2 हफ्ते का, उसके बाद 2 हफ्ते का, फिर भी आज भी हम उतनी टेस्ट की संख्या तक और क्षमता तक नहीं पहुंचे जहां तक हमने पहुंचना चाहिए था। हम उतना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को दे नहीं पाए हैं जितना हमने देना चाहिए था। हम उतनी स्वास्थ्य कर्मियों की कम्युनिटी टीमें नहीं बना पाए हैं जितनी हमने बनानी चाहिए थी, खास करके हमारी नागरी इलाकों में जहां सबसे ज्यादा रफ्तार में COVID-19 फैल रहा है। तो क्या हमारी प्रशासनीय खामियां रही हैं? जरूर रही हैं। तो इटली को देखिएगा, स्पेन को देखिएगा, इंग्लैंड को देखिएगा, हर देश में ये खामियां फैली हुई है। तो चीन कोई अपवाद नहीं है, लेकिन चीन को खास करके कोसने का कोई कारण भी नहीं है। हर देश में अपने अपने तरीके से प्रशासन की कमियां सामने आई हैं इस बीमारी को लेकर।
इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति करना ये फजूल बात है और उसमें ना हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ना उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। माफ कीजिएगा, काफी सवाल हो गए। कोई अगर जब लॉकडाउन खुलता है, राजेंद्र जी भैया पूछ रहे हैं, लॉकडाउन खुल जाता है तो क्या लोगों के आपसी व्यवहारों पर कोई असर होगा? मैं ये बार बार कह रहा हूं, लॉकडाउन के बाद हम वापस जैसे थे पे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो लॉकडाउन से सिर्फ डिले होगा, हमें संक्रमण की रफ्तार कम करनी है और संक्रमण की रफ्तार तभी कम होगी जब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, नकाब और शारीरिक अंतर की बात जारी रखेंगे हमारे सांस्कृतिक रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम ऐसी कम्युनिटीज में टीमें बनाएंगे, स्वास्थ्य टीमें जो केस आइडेंटिफिकेशन करेंगी, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगी, जो केस आइसोलेशन सही तरीके से करेंगी, जब हम उतनी आंकड़ों में टेस्टिंग करेंगे जितने आंकड़ों में करना जरूरी है। जो आज हम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये सब करना ये लंबे रेस की बात है, कई महीनों सालों तक हमें ये करना है। हो सकता है कि वैक्सीन अगले साल किसी या आज से साल भर बाद वैक्सीन आ जाए। अगर वैक्सीन आ जाए तो जितने लोगों को हम वैक्सीन दे सके उतने रफ्तार में ये संक्रमण की रफ्तार और भी कम होते जाएगी, और मैं जिसे समतोल कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम और बैलेंस कह रहा हूं, वहां तक हर्ड इम्यूनिटी तक हम पहुंच पाएंगे उतनी जल्दी। लेकिन वो लॉकडाउन उठते उठते होने वाली बात नहीं है, वो बहुत लंबे अरसे की बात है। तो आपसी व्यवहारों पर असर जरूर पड़ेगा, आपसी व्यवहारों पर जो असर पड़ेगा वो सस्टेनेबल कैसे हो, ये हमारे लिए, समाज के लिए और प्रशासन के लिए सोचने का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। लगभग प्रदीप रामचौरे जी पूछ रहे हैं, लगभग 2-3 महीने हो गए सैनिटाइजर का उपयोग लोग कर रहे हैं और आगे ही करेंगे, उसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा? सैनिटाइजर जो आम तौर से मैं देख रहा हूँ वो अल्कोहल बेस्ड है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या एथेनॉल बेस्ड है, 70% अल्कोहल अगर हो तो इस वायरस में स्निग्ध की, मेद की, लिपिड की मात्रा होती है, और अगर अल्कोहल लगाएं या साबुन लगाएं तो वायरस इनफेक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो उनसे बहुत ज्यादा असर होना नहीं चाहिए जहां तक मेरा हिसाब है। सैनिटाइजर को लेकर हमने चिंता करने की जरूरत मैंने अभी तक किसी सबूत के आधार पर नहीं देखी। सैनिटाइजर और कोविड 19 का रिलेशन क्या है, रघुनाथ वानखेड़े पूछ रहे हैं, सैनिटाइजर का वायरस पर असर क्या होता है? जैसे अभी मैंने कहा कि वायरस का जो आवरण है उसमें लिपिड है, सैनिटाइजर अल्कोहल या सोप बेस्ड है जिनकी वजह से लिपिड ब्रेकअप होता है, और अगर लिपिड ब्रेकअप होता है तो जाहिर है कि वायरस का आवरण ब्रेक होता है। अगर वायरस का आवरण टूट जाए तो वायरस निष्क्रिय हो जाए। ऐसे सैनिटाइजर के साथ वायरस का संबंध है। तो शाह भैया पूछ रहे हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर ए वैक्सीन। मैं तो ये कहूंगा कि हम फैलाव की रफ्तार अगर कम करते गए कि जहां तक वो फैलाव हमारे लिए सस्टेनेबल है, यानी कि जो गंभीर बीमार हो जाते हैं इस वायरस के जरिए उन्हें सही वैद्यकीय मदद हम दे सकें, तो हमारे लिए आखिरकार इस हद तक जा पहुंचना है कि हमें से बहुतेरे लोग इस वायरस को इम्यून है।
तो वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा हमारे समाज में नहीं हो रहा, और ये जो इक्विलिब्रियम है यहां तक हम पहुंचेंगे हर्ड इम्यूनिटी के जरिए। अगर वैक्सीन नहीं हो और हम संक्रमण का की रफ्तार कम करें तो हो सकता है 2-3-4 साल लग जाएं हमें उस इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। अगर वैक्सीन अगले साल पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे तो हो सकता है 2-1 सालों में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो जरूर। तो वैक्सीन पे हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं है कि बगैर वैक्सीन के हम मर ही गए। वैक्सीन पे हम, अगर वैक्सीन आ जाए तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का समय कम हो जाएगा, लेकिन बगैर वैक्सीन के भी हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि बगैर वैक्सीन के हम गए, पहुंचेंगे। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी अभी आप और कितना, मतलब 5:15 हो गया अभी, आप और काफी सवाल है तो आप बता दीजिए। तो मैं सवालों का जवाब दे जाऊंगा, तो आप कहिएगा तब तक। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए आपको और कितना देर, मतलब आपको ठीक लगेगा। बाकी अगर अभी थोड़े ज्यादा समय हो गया तो हम मतलब एक बार और इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या फिर हम कुछ सवालों का जवाब लिख के भी दे सकते हैं, मतलब आपको जैसा ठीक लगे। 5-10 मिनट लेते हैं, फिर देखते हैं। सवाल कम होने लगे तो एक नेचुरल एंड सा आ जाएगा। हाँ, मुझे भी ये लग रहा था कि 10-15 मिनट और लगा सकते हैं कम से कम, तो देख लेते हैं। तो मोहम्मद तकी पूछ रहे हैं कि वाय वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, एंड और वाय इट इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट। तो जहां तक दुनिया भर में मेरे कई मित्र हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो उनमें से आज तक 100 गुटों ने वैक्सीन की ट्रायल रजिस्टर करी हुई है, पंजीकरण किया हुआ है वैक्सीन ट्रायल का। 100 से ज्यादा है, 110 या 115 कुछ है। उनमें से आज की तारीख में कम से कम 8 ऐसे हैं जो वैक्सीन इंसानों को देने की स्टेज तक आए हुए हैं। तो जाहिर है कि वैक्सीन बन रही है। वैक्सीन बनने की अपनी एक प्रक्रिया है कि कोई भी चीज इंसान के शरीर में अगर डालनी है तो वो सुरक्षित है या नहीं, उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करी हुई है या नहीं, उसकी एफिकेसी टेस्टिंग करी हुई है, इस सब के लिए अब एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के स्टेजेस हैं। उस पूरी प्रक्रिया से हरेक वैक्सीन कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। तो क्या हमारे पास ऐसे सबूत है कि वैक्सीन काम करेगी? हाँ, 3 या 4 अलग अलग किस्मों की वैक्सीन को लेकर जानवरों में ऐसे सबूत पाए गए हैं कि अगर वैक्सीन दे दें तो या तो एंटीबॉडीज ऐसी बनेंगी जो SARS-CoV-2 को न्यूट्रलाइज करेंगी, या तो बंदरों में SARS-CoV-2 के चैलेंज को निष्प्रभ कर देगी, को रेजिस्ट कर पाएंगे। तो वैक्सीन के आसार अच्छे हैं, शक्यताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर बननी है तो सेफ बननी चाहिए, इफेक्टिव बननी चाहिए। सेफ्टी टेस्टिंग को चंद महीने लग जाएंगे किसी भी वैक्सीन के, उसके बाद एफिकेसी टेस्टिंग होगी, एफिकेसी टेस्टिंग को चंद महीने लग जाएंगे। वैसे तो सेफ्टी और एफिकेसी टेस्टिंग को सालों दशक लगते हैं। यहां पे चूंकि SARS-CoV-2 की महामारी, जागतिक महामारी फैली हुई है, तो सबने काफी जल्दबाजी में करने की कोशिश करना शुरू किया है, फिर भी चंद महीने लगने हैं। और कोई भी वैक्सीन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बनाता जब तक उसकी सेफ्टी और एफिकेसी सामने ना हो, तो थोड़े महीने लगने हैं सेफ्टी में, टेस्टिंग में थोड़े महीने लगने हैं एफिकेसी टेस्टिंग में, और उसके बाद प्रोडक्शन स्केल अप करना है।
इसको साल भर तो कम से कम लगना है। तो मेरा हिसाब ये है कि अगले साल में अप्रैल मई तक हमारे पास एक से बढ़कर वैक्सीन्स की शक्यताएं सामने होंगी जिनका मार्केटिंग शुरू होगा। लेकिन उसके आगे राजनीति की और अर्थनीति की बात आएगी और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अड़चन बन सकती है। तो अड़चन विज्ञान की नहीं है, अड़चन प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की नहीं है, अड़चन कैपिटलिज्म की है। क्योंकि वैक्सीन बनाने वाले सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियां इसलिए वैक्सीन बनाएंगी कि मुनाफा हो। अब कितना मुनाफा जायज मुनाफा है और कितना मुनाफा नाजायज है, ये कौन तय करेगा? तो हर देश की सरकार अपने अपने तरीके से इन कंपनियों के साथ नेगोशिएशन करेंगे और उस नेगोशिएशन से जो कुछ निकलेगा उससे तय होगा कि देश की जनता को कितनी जल्दी, कितनी बड़ी मात्रा में, पर्याप्त या अपर्याप्त वैक्सीन के डोज मिलने लगेंगे और कब मिलने लगेंगे। तो वैक्सीन को लेकर असली अड़चने साइंस और टेक्नोलॉजी की नहीं, असली अड़चने हमारी राजनैतिक और अर्थनैतिक व्यवस्थाओं की है, ये हम ना भूलें। प्रफुल्ल मोरेश्वर पूछ रहे हैं कि चमगादड़ से ही वायरस फैला है, ये बात कितनी सच है और कितनी गलत? जहां तक हमने, और इस बात में मैंने काफी चाव रखा हुआ है, जहां तक मैंने सबूत देखे हैं, ये वायरस 97.5% सीक्वेंस आइडेंटिटी रखता है, बिल्कुल आइडेंटिकल जेनेटिक सीक्वेंस है उसका चमगादड़ में पाए गए कोरोना वायरस के साथ। इस वायरस की जो एक विशिष्ट वायरस जिस प्रोटीन के, जिस प्रथिन के जरिए, माफ कीजिएगा, वायरस जिस प्रोटीन के जरिए कोशिका से भिड़ता है, उस प्रोटीन का जो हिस्सा है वो हिस्सा इस कोरोना वायरस का पेंगोलिन के कोरोना वायरस से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो जाहिर है कि चमगादड़ पेंगोलिन इन प्रजातियों में जो कोरोना वायरस है उनके साथ इस वायरस का बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे में बहुत ज्यादा शक की कोई शक के लिए कोई जगह है। एग्जैक्टली कैसे ये वायरस किन किन प्रजातियों में लेन देन करते 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 हमारे हम तक पहुंचा, ये उसका पूरा रास्ता खोज निकालने के लिए हमें अभी तक समय नहीं मिला, या ये तो आगे चल के निकलने वाली बात है। लेकिन चमगादड़ और पेंगोलिन के साथ जो के कोरोना वायरस के साथ इस वायरस का रिश्ता बिल्कुल साफ। वैक्सीन को लेकर मोहम्मद तकी पूछ रहे हैं, जिसका जवाब मैंने अभी दिया। राजेंद्र पिपल शेंडे पूछ रहे हैं कि चीन क्यों नहीं चाहता कि बाहर की टीम वहां आकर कोविड 19 की जांच करे। तो चीन नहीं चाहता इसलिए कि भैया अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई वायरस निकलता, एक मिसाल देता हूं, निपा वायरस की जो केरला में चंद समय पहले निकला था, तो हमें कई देशों ने पूछा कि हम आके आपकी मदद करें, हम आके ये जांचें परखें कि आप सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। हमने कहा ना, हमारा हम देखें। ये जो राष्ट्रवाद की बुनियाद है आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, इसका एक नतीजा है कि हम दूसरे देशों से किसी भी प्रकार की मदद सहजता से नहीं लेते, आसानी से नहीं लेते। हम शक की नजर से उसको देखते हैं। अगर अमेरिका में जो वायरसेस ऐसे निकले हैं, अमेरिका में ऐसे काफी वायरसेस निकले हैं, याद रखिएगा, फोर कॉर्नर्स वायरस है,
और भी दो चार वायरसेस हैं जो अमेरिका में निकले हैं, और सौभाग्य की बात है कि बड़ी महामारी नहीं हुई उनकी। लेकिन उसको लेकर चीन तो छोड़िएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि क्या हम आके आपको उनके बारे में रिसर्च करने में मदद करें, तो अमेरिका ने कहा ना नहीं करें। तो ये चीन की कोई खासियत नहीं है, ये राष्ट्रवाद की खासियत है कि हम बाहर की टीमों को आकर जांच करने नहीं देते आमतौर से। निधि पाल पूछ रही है क्लाइमेट चेंज का और इस वायरस का क्या रिश्ता है। तो क्लाइमेट चेंज का और इस वायरस का एक ओर से रिश्ता है और दूसरी ओर से दूर का, एक ओर से नजदीकी दूसरी ओर से दूर का रिश्ता है। वो ये है कि कई देशों में कई तरीके की वन्य प्रजातियां, जैसे चमगादड़ हो, जैसे सिविट्स हो, जैसे पेंगुलिन्स हो, हिंदुस्तान में, उत्तर पूर्वी देशों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में, राज्यों में, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, कई गांवों में चमगादड़ों की शिकार की जाती है। तो ये हम पर्यावरण, जैव पर्यावरण पर हम और दबाव डालते आए हैं, और इसलिए ये जो वायरसेस की लेन देन है प्रजातियों के बीच, के चमगादड़ों से इंसानों में, या तो चमगादड़ों से बड़े बड़े बाजारों में, चमगादड़ों से बतखों में, बतखों से और किसी प्रजाति में, ये जो लेन देन है, इस लेन देन के लिए एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, योग्य अवस्था का निर्माण हम करते गए हैं जैसे जैसे हमारा पर्यावरण पे प्रभाव बढ़ता गया है, और क्लाइमेट चेंज हमारे पर्यावरण के प्रभाव का एक चिन्ह है। तो पर्यावरण को और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कोविड 19 का रिश्ता है वो ये है। स्नेहा बंसोड़ पूछ रही हैं कि कुछ पॉजिटिव पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चालू है वे ठीक होकर घर वापस आ रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन। तो आमतौर पे जो लोग ठीक होते हैं उनके लिए वो होता ये है कि फेफड़े काम नहीं करते। अब अगर फेफड़े इस हद तक काम नहीं करते कि आप घर पे बैठ रहे हो, बिस्तर में लेटे हो, और आपके फेफड़ों को कोई मदद नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि इसके पहले के आपका शरीर उस बीमारी का सामना करके आपको उस बीमारी से बाहर लाए, आपके फेफड़ों का काम इतना कम हो जाएगा कि आप मरी जाओगे। तो आप अस्पताल गए तो ऑक्सीजन मिलेगा, वेंटिलेटर मिलेगा, आपका फ्लूइड बैलेंस देखा जाएगा, आपकी किडनी फंक्शन देखी जाएगी, आपको जितनी सपोर्टिव थेरेपी की जरूरत है वो अस्पताल में मिलती है, इंटेंसिव केयर में मिलती है। आपका वायरस नहीं मारा जाता, आपका शरीर आपके वायरसेस मार रहा है, क्योंकि आप, लेकिन आपका शरीर जब वायरसेस मार रहा है तो उस दरमियान चूंकि वायरस की आबादी बहुत शरीर में बढ़ी है, तो उसके लिए शरीर जो प्रतिक्रिया बना रहा है वो ही बड़ी मात्रा में है, और उस प्रतिक्रिया से शरीर के कार्य पर असर पड़ रहा है, और उसलिए आप बीमार पड़े। तो उन कार्यों के लिए अगर मदद मिले, जैसे कि मैंने कहा कि फेफड़ों का काम ठीक नहीं चल रहा तो एक ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले, किडनी का काम ठीक नहीं चल रहा तो डायलिसिस से मदद मिले, आपका फ्लूइड बैलेंस ठीक नहीं रह रहा तो आपको इंटरवीनस फ्लूइड साल्ट न्यूट्रिशन मिले, तो इस वजह से सपोर्टिव थेरेपी से आपको मोहलत मिलती है कि आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाए। भैया हमें जब खांसी जुकाम होती है तो वो भी एक आमतौर से वायरस की इंफेक्शन है, और हम दो तीन दिन बीमार होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक कैसे हो जाते हैं? हमारा शरीर
उसके खिलाफ प्रतिक्रिया बनाता है और वायरस का सामना मुकाबला कर लेता है और वायरस की संख्या कम करता है और ठीक हो जाता है। ये मुद्दा है। हम जब अस्पताल ले जाते हैं कोविड 19 की के मरीज को, तो हम कोविड 19 की थेरेपी नहीं करते। हम जहां जहां शरीर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है वहां वहां सपोर्टिव थेरेपी करते हैं। पूरी अस्पताल की जो जो व्यवस्था है और जो जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के जरिए बीमार रोगियों के शरीरों को ये मोहलत मिलती है कि वायरस का मुकाबला करके शरीर को उसमें से बाहर निकाले। लॉकडाउन के चलते हमारे पर्यावरण पर क्या असर हुआ है, मिथुन डोंगरे पूछ रहे हैं, और पर्यावरण पे दोनों तरीकों के असर हो रहे हैं। हमारा जो मानवीय पर्यावरण है उस पर बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है हमारे कई सामाजिक गुटों की, तो वो भी तो एक पर्यावरण का असर है। लेकिन दूसरा भी पर्यावरण का असर है, खास करके शहरों में जहां पोल्यूशन प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है। तो कई तरीके के पर्यावरण के असर पर्यावरण पे असर हुए हैं लॉकडाउन के चलते, और चाव की बात है कि दोनों दृष्टिकोणों से आप उसके बारे में सोचिएगा। शिवनारायण गौर पूछ रहे हैं कि सब्जी और नोटों के जरिए वायरस के फैलने का कितना खतरा है। मेरे हिसाब में बहुत ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। ये तो सही है कि कई पृष्ठभागों पर वायरस चंद घंटों तक जीवित रहता है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा सबूत नहीं देखा कि एक ओर यह है कि वायरस जीवित रहता है, दूसरी ओर यह है कि वायरस का संक्रमण होता है। तो वायरस के जीवित होने और वायरस के संक्रमण के बीच में थोड़ा फर्क है, और मैंने वायरस के जीवित रहने के सबूत तो काफी देखे हुए हैं पृष्ठभागों पर, जैसे स्टील हो, लकड़ी हो, कार्डबोर्ड हो, जो भी कुछ हो, लेकिन संक्रमण के घंटों बाद किसी पृष्ठभाग से संक्रमण हो ऐसे सबूत बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता कि हमने इतना डरना चाहिए कि हम सब्जियों को या दूध के थैलों को या अखबारों को खास करके बड़ी शंका की नजर से देखें। अखबार के जरिए वायरस फैलने का कोई खतरे का सबूत मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने काफी ढूंढा है इस मुद्दे को और अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा। तो मैं ये कहूंगा कि एक साधारण सावधानी हमने बरतनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा डरने का कोई कारण मैंने अभी तक नहीं देखा। पूजा मूले पूछ रही है, वायरस तैयार कैसे हुआ और क्या एयरबोर्न है? तैयार कैसे हुआ इसको लेकर, चमगादड़ और पेंगोलिन को लेकर मैंने थोड़ी बहुत बात करी हुई है, और ये बिल्कुल एयरबोर्न वायरस है। ये खांसी से या श्वसन संस्था के द्रवों से शरीर के बाहर आता है और औरों को फैलता है, तो जरूर एयरबोर्न तो है ही किसी हद तक। शाह भैया पूछ रहे हैं, इज देयर एनी ट्रूथ इन द बिलीफ दैट इंडियंस हैव सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लू एंड सो कोविड 19 टू, एंड डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद द बीसीजी वैक्सीन और समथिंग एल्स? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्या क्या शक्यता है? लेकिन कई बातें शक्य हैं और प्रूफ्ड नहीं है। मैंने अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं देखा कि हिंदुस्तानियों की प्रतिकार क्षमता औरों की प्रतिकार क्षमता से ज्यादा अच्छी है। ना कोई जेनेटिक सबूत मैंने देखा है, ना कोई ये जो बीसीजी वैक्सीन वाला या फ्लू रेजिस्टेंस वाला सबूत मैंने देखा है। फ्लू का जो वायरस है वो एक बिल्कुल अलग वायरस फैमिली का वायरस है, वो कोरोना वायरस फैमिली का वायरस नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस अलग फैमिली के वायरसेस हैं, तो उन दोनों में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्रतिकार क्षमता की लेन देन का मेरे लिए तो कोई
पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बीसीजी को लेकर आईसीएमआर ने और कई संस्थाओं ने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करी हुई हैं और बात सामने आ जाएगी क्लिनिकल ट्रायल के जरिए। मेरे लिए तो शक की बात है कि बीसीजी से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। थोड़ा फर्क पड़ेगा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। और हमारे हमारी बस्तियों में जिस तरीके से ये वायरस अब फैल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई सच्चाई है इस सोच में कि हिंदुस्तानियों में तो हम तो वायरस रेजिस्टेंट हैं। तो आम लोग हैं दुनिया में, वैसे ही हम हैं। अरे बाप, एक पर्सन कितने बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, मात्रा पे डिपेंड करता है। शिखा जी पूछ रही हैं, अगर मुझ में एंटीबॉडी लेवल बहुत ज्यादा हो तो मैं एक से ज्यादा लोगों को दे सकता हूँ, मुझ में एंटीबॉडी लेवल से अगर मात्रा में कम हो तो मैं एक ही को दे सकता हूँ। और इसलिए हमारे पास टेस्ट होनी चाहिए कि अगर प्लाज्मा थेरेपी करनी है तो जो डोनर है, डोनर की प्लाज्मा की पोटेंसी कितनी है, और उस पोटेंसी के अनुसार हम यह तय कर पाएंगे कि एक को दे सकते हैं, दो को दे सकते हैं, तीन को दे सकते हैं। लेकिन दो चार से ज्यादा एक व्यक्ति दे नहीं पाएगा, जहां तक मेरी सोच है। निशा जी पूछ रही हैं, जैसे जानकारी मिल रही है कोई बाधित व्यक्ति ऊपर वहीं उपचार किए जा रहे हैं जिससे उसके सर्दी बुखार सांस की दिक्कत को छुटकारा मिले, या हाँ जी, तो जहां तक मैं समझता हूं निशा जी, आप ये पूछ रही हैं कि क्या सिर्फ आम तौर से सपोर्टिव थेरेपी दी जा रही है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जा रही है, जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके लिए दवाइयां दी जा रही हैं। तो बिल्कुल सही है, सिर्फ उतना ही है। वायरस मारने के लिए हम कोई दवाई दे नहीं रहे, वायरस मारने के लिए कोई दवाई आज तक मौजूद नहीं। मनोज भैया पूछ रहे हैं, बारिश के दिन तो वैसे भी संक्रमण के लिए अनुकूल होते हैं। बारिश के दिन उस संक्रमण के लिए अनुकूल होते हैं जो जिसे फीको ओरल रूट से कहते हैं, दूषित पानी के जरिए फैलता है। चूंकि ये एयरबोर्न हवाई संक्रमण है, तो बारिश से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और हाल में जो विश्लेषण किया गया है उससे ये सामने आ रही है बात कि शायद बदलते तापमानों से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब आगे देखी जाने वाली बातें हैं, अभी तक मैंने इसको लेकर बहुत कुछ पक्के नतीजे नहीं देखे। शाह भैया फिर पूछ रहे हैं, शाह भैया बहुत हो गया, सम ऑफ द डैमेज इज सपोज टू बी बिकॉज ऑफ आवर ओन इम्यून रिस्पॉन्स, विल इम्यूनोसप्रेसेंट्स वर्क इन सीवियर केसेस। और उमा पूछ रही हैं कि विल इम्यूनोसप्रेसेंट्स वर्क टू रिड्यूस द रियली सीवियर केसेस, हैव एनी स्टडीज बीन डन ऑन दिस। अच्छा, एक बात देखिएगा, शुरुआत जब होती है, जब वायरस शरीर में आता है, तो पहले वायरस जोर से फैलने लगे और मेरी प्रतिकार क्षमता कम पड़े, उस वक्त उस समय अगर मैं प्रतिकार क्षमता बढ़ाऊं तो वायरस की मात्रा कम हो जाए। तो जाहिर है कि शुरुआत में, इन्फेक्शन के शुरुआत में, जब वायरस का लोड, वायरस की मात्रा जब कम हो, तब आप इम्यून स्टिम्युलेशन करें तो कुछ फायदा हो। लेकिन आगे चल के जब लोग गंभीर स्वरूप से बीमार होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं, जैसे उमा जी साहब या पूछ रहे हैं, वो इसलिए होते हैं कि वायरस की मात्रा बढ़ी हुई है, उसके खिलाफ शरीर प्रतिकार प्रक्रिया, शरीर प्रतिकार प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रतिकार प्रक्रियाएं इतनी बड़ी मात्रा में चल रही हैं कि ऑर्गन डैमेज हो रहा है, वहां पे द
दिक्कत ये आती है कि कौन सी प्रतिकार प्रक्रिया के घटकों को हम कम करें, सप्रेस करें, जिसकी वजह से सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि ऑर्गन डैमेज कम हो लेकिन वायरस का कम होना भी जारी रहे। ये जो बैलेंस है ये बड़ा कठिन बैलेंस है, और इसीलिए आमतौर से ऐसी सब गंभीर बीमारी, संक्रामक बीमारी के जो गंभीर रूप है, सेप्सिस जिसे कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही पेचीदा मसला। तो क्लिनिकल ट्रायल्स काफी चल रही हैं SARS-CoV-2 के, COVID-19 के गंभीर बीमार रोगियों को लेकर। अभी तक मैंने कोई ऐसे नतीजे नहीं देखे कि ये काम करेगा वो काम करेगा, जादुई परिणाम अभी तक मैंने कोई नहीं, जादुई असर मैंने कोई अभी तक नहीं देखा। प्रकाश करटबज ने पूछ रहे हैं, महावृक्ष करेला नीम तुलसी के पत्तों को उबाल के रस जब कृमि होती है तो देते हैं, ये बहुत कड़वा होता है, ये वायरस के लिए क्या काम कर सकता है? मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा कि ऐसे कोई भी वायरस के खिलाफ काम कर सकते। आयुष मंत्रालय से काफी कुछ अधिसूचनाएं जारी हुई हैं कि इस तरीके के कषाय काढ़े लें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी काम करें और वायरस का संक्रमण आपको ना हो, लेकिन सबूत मैंने कोई नहीं देखे अभी तक। पूजा जी पूछ रही हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें जिनमें सिम्टम्स ही ना दिखाई दे? और साफ उत्तर ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर हम स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग करके टेस्टिंग ना करें तो। और स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग करके अगर टेस्टिंग करना है, यानी कि हर तीसरे व्यक्ति को, हर दसवें व्यक्ति को, हर पचासवें व्यक्ति को परखना है, अगर इस तरीके का कम्युनिटी टेस्टिंग बिल्कुल स्वस्थ लोगों में हम ना करें तो हम ऐसे रोगी ढूंढ नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि संक्रमण हम रोक नहीं पाएंगे, संक्रमण की रफ्तार हम कम कर पाएंगे शारीरिक अंतरंग रख के, और सिर्फ उतना ही हमारे लिए जरूरी भी है और काफी भी है। प्रकाश भैया पूछ रहे हैं, अलग अलग देशों के वातावरण अलग अलग होकर भी पनप रहा है, क्या उसको कुछ उचित वातावरण की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए? आमतौर से वातावरण का जो परिणाम है वो दुय्यम है, सेकेंडरी है। वो इसलिए कि आमतौर पे जो संक्रमण होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे को नजदीकी से होता है, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसमिशन है, एफिशिएंट संक्रमण है। और उसमें वातावरण का रोल बहुत ही कम है, क्योंकि मैं खांसूं और आपको संक्रमण हो जाए, वातावरण से उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसी लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अगर हम शारीरिक दूरी के जरिए संक्रमण का जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हिस्सा है कि मुझसे शारीरिक नजदीकी के जरिए आपको हो जाए, वो अगर हम कम कर पाए तो हमारे लिए संक्रमण का की रफ्तार कम हो जाएगी और हम हर्ड इम्यूनिटी तक सस्टेनेबली पहुंच पाएंगे। नीतिका जी ने तो ये कहा है कि भैया सत्यजीत अब चुप करो। मेरा एक दोस्त वैक्सीन के ट्रायल के लिए अपना शरीर दान करना चाहता है, क्या यह संभव है कोई जिंदा इंसान अपने आप को ट्रायल के लिए दे सके? अरे भैया, हम सब ने जब ट्रायल शुरू होंगी तो उसमें शरीक होना चाहिए, क्योंकि बगैर ट्रायल के हमें एफिकेसी को लेकर सबूत कैसे मिलेगा? तो जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी, क्लिनिकल ट्रायल किस पे होंगी? हम पे होंगी, और हम सब ने शिरकत करनी चाहिए उसमें, तो जरूर शिरकत करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हम में से जो ऐसे लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, जो बूढ़े नहीं हैं, जो हाइपरटेंसिव नहीं है, डायबिटिक नहीं है, जिन्हें लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारियां नहीं है, वैसे जवानों ने जब ऐसी ट्रायल्स हैं जिसमें
वैक्सीनेटेड व्यक्ति को इन्फेक्शन दिया जाता है, वैसी ट्रायल्स में भी जब वो सही तरीके से करी जाएंगी उसमें हमने शिरकत करनी चाहिए। शिरकत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें पैसे मिलेंगे, शिरकत इसलिए करनी चाहिए कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे सभी प्रयासों में योगदान करें जो हमारे लिए, समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं। जयश्री जी पूछ रही हैं क्या वैक्सीन आने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंस फॉलो करना होगा एंड ऑन व्हाट बेसिस। जी मेरा जो मैं बार बार शुरुआत से कह रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है, एक बार हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच गए या कि यानी कि हमें से 61% लोग ऑलरेडी इम्यून हैं, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यून है या तो वैक्सीन से इम्यून है। ये अवस्था अगर समाज में आ जाए तो फिर शारीरिक अंतरण की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, फिर शारीरिक अंतरण का फायदा कम होने लगेगा और फिर जरूरत कम होने लगेगी। Isn't it immoral to abolish labor laws in such difficult times as MP, UP and Gujarat did? अच्छा, ये तो साफ राजनीति की बात है, और मैं राजनीति की बात करने में मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। हमने जिस तरीके से लॉकडाउन किया है उसमें गरीबों को, रोजगारी के मजदूरों को हमने बहुत बेरहमी से हम पेश आए हैं, हमारी प्रशासकीय प्रशासनिक संस्था व्यवस्था पेश आई है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा हमने किया है। तो सिर्फ लेबर लॉज की बात नहीं, हर एक मुद्दे को लेकर, लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने सपोर्ट सिस्टम्स बनानी चाहिए थी उनको लेकर, अर्थव्यवस्था में जो हमने सपोर्ट सिस्टम्स बनानी चाहिए थी उनको लेकर, हर मुद्दे को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था हमारी गरीबों के खिलाफ काम करते आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिलिबरेटली करते आई है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नतीजा ये है कि महामारी से जितनी समस्याएं हमारे गरीब गुटों के लिए खड़ी हुई हैं, उससे शायद थोड़ी ज्यादा ही समस्याएं महामारी के खिलाफ की प्रशासनीय प्रक्रिया से सामने के लिए खड़ी हुई है, और ये सही बात हरगिज़ नहीं। रोहित बघेल भैया पूछ रहे हैं कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेंट कर रहा है तो उसका कारण क्या है? तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, आरएनए की जब कॉपी बनती है वो बिल्कुल सही नहीं बनती, उतनी सही नहीं बनती जितनी डीएनए के बन सकती है। तो इसलिए जब आरएनए वायरस, कोई भी आरएनए वायरस का प्रजनन होता है तो उसमें म्यूटेशंस आती ही है, क्योंकि चूक कॉपी करने में होने के कारण म्यूटेशंस। तो इस कोरोना वायरस में भी काफी म्यूटेशंस हुई, उनमें से अब एकाध म्यूटेशन उस कोरोना वायरस को फैलने में मदद करें तो उस म्यूटेशन वाले कोरोना वायरस की जो नस्ल है वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा सामने आने लगेगी। अभी तक ऐसे लक्षण बहुत कम दिखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ दिखने लगे हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस उतना आसानी से म्यूटेट नहीं करता शायद जितना इन्फ्लुएंजा का वायरस म्यूटेट करता है। इसलिए इन्फ्लुएंजा के वायरस की हर साल अलग वैक्सीन बनानी पड़ती है। अभी तक तो आसार ऐसे हैं कि इस कोरोना वायरस के लिए शुरुआत में तो एक तरीके की वैक्सीन काम आ जाएगी। प्रशांत वाहुले पूछ रहे हैं इम्यूनिटी अगर ज्यादा हो इस वायरस की लगन कभी नहीं होगी, ऐसी कोई चीज इम्यूनिटी कम ज्यादा की चीज कोई प्रशांत भैया है ही नहीं। हम सब जो है ना, हमारी इम्यूनिटी जब तक कोई सूक्ष्म जीव अंदर ना आए सोई हुई, सूक्ष्म जीव के जरिए वो जागती है और काम करने लगती है।
और आमतौर से हम सब लोगों की इम्यूनिटी ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं तो हमने थोड़ी तौलनिक सोच समझ रखनी चाहिए उसको लेकर। मैं बार बार कहता हूं, अगर 100 लोगों को SARS-CoV-2 की का संसर्ग हो गया तो उनमें से आधे लोगों को शायद मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अपने को संसर्ग हुआ है, और कई लोगों को 2-4 दिन का बुखार खांसी का लक्षण सामने आ जाएगा। 5-10% लोग ऐसे हैं जो गंभीर स्वरूप से बीमार होंगे। तो आमतौर से ये वायरस उतना हमारे लिए इंडिविजुअली डेंजरस नहीं है जितने और कई बीमारी के वायरसेस। तो उसके लिए हमने इम्यूनिटी बढ़ाने की और वायरस का वायरस की लगन कभी ना होने की बात को इतनी गंभीरता से ना ले। रोशन डोंगरे भैया पूछ रहे हैं, वायरस जीवित होता है या निर्जीव? तो इसका मैं एक सरल उत्तर देता हूं, जब वायरस आपकी कोशिका के बाहर होता है तो निर्जीव होता है, जब वायरस आपकी कोशिका के अंदर होता है तो सजीव होता है। शाह भैया के गुट से सवाल आया है कि स्मोकिंग का इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के जरिए आपकी श्वसन संस्था पे काफी असर पड़ते हैं और वो सारे असर आपको COVID-19 की के लक्षण गंभीर होने के लिए मदद कर सकते हैं। यानी कि स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस इन COVID-19। शिखर शुक्ला पूछ रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट तो डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट को दे रहे हैं शायद, और वो टैबलेट कुछ हद तक मददगार भी हो रहे हैं क्या? वैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट गले के सारे रोगों में इफेक्ट करती है जी। तो आपका पहला सवाल है दे रहे हैं क्या, और उसका उत्तर है हाँ। आपका दूसरा सवाल है क्या वो मदद कर रहे हैं क्या, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं अभी, क्योंकि कंट्रोल ट्रायल्स में अभी तक ऐसे नतीजे सामने नहीं आए। आपका तीसरा सवाल यह है कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट गले की कई बीमारियों को देते हैं, गले में जो बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन बतौर एंटीबायोटिक के देते हैं और वहां पे वो काम आता है, लेकिन वो बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए है ना कि वायरल इंफेक्शन के लिए। तो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन वायरल इंफेक्शन में क्या काम करेगा ये ट्रायल्स के नतीजों पर निर्भर। In case of ongoing pandemic, what changes in our lifestyle are needed to contain it? जैसे मैंने कहा, दो मुद्दे हैं। एक, हमने सांस्कृतिक नेम नियम बना लेने चाहिए कि शारीरिक दूरी हो, लेकिन मास्क नकाब पहनने की 2-4 हाथ दूर रहने की शारीरिक दूरी की जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं हैं वो हमने अपनानी है, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, हमने सोशल सॉलिडारिटी रखनी है। हमने ऐसी समस्या में ऐसे संकट में सबकी सोचनी है, सिर्फ अपनी नहीं सोचनी। हमने जो उपाय करने हैं, जो व्यवस्थाएं बनानी है, जो प्रतिक्रियाएं प्रशासनिक बनानी है, वो ऐसी बनानी है के वो समाज के अक्षम और गरीब गुटों पर बिजली की तरफ ना गिरे। सिर्फ अपने स्वास्थ्य की नहीं सोचनी हमने, सामाजिक स्वास्थ्य की भी सोचनी है। और अगर आगे चलते हमने कोई सबक सीखने हैं इसको लेकर, तो वो ये सीखने हैं कि हम एक दूसरे के साथ, ये मैं मराठी में कहता हूं तो ज्यादा परिणामकारक होता है, वो इसलिए कि मराठी में महामारी को साथ कहते हैं। तो हम साथ साथ होके साथ
साथ साथ होके ही साथ का मुकाबला कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम पेंडेमिक्स का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ साथ साथ होकर, अपने अपने घरों में कोने में डर के मारे बैठे हुए और हरेक को आशंका की नजर से देखने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक दूसरे को साथ लेकर ही आगे जाएं, तभी जाके ऐसी महामारियों का मुकाबला आज और कल हर हमेशा होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1.5-2 घंटे तक मेरी बातें सुनी, तो इजाजत दीजिए। थैंक यू सत्यजीत, मैं अनीतिका कंटिन्यू, अगर अगर आगे करना है, दोबारा करना है तो बताइएगा, तब करते हैं, क्योंकि और भी काफी सवाल आए हैं शायद। दोबारा मैं सॉरी हाँ हाँ मैं तो यही कह रहा था कि ये सोच रहे थे कि आश्रमशाला में जो टीचर्स हैं उनके साथ भी कभी सेशन प्लान करें, तो मंजूषा, नीतिका और बाकी लोग वो भी देखने वाले हैं कि कभी संभावना है क्या, तो आपके साथ फिर कोऑर्डिनेट करेंगे जरूर। थैंक यू फॉर द डे। ठीक है, तो सब साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। मैं तो ये कॉपी करने के लिए उठी थी।